गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, लेट्स कंटिन्यू योर एसएसटी चैप्टर सेकंड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ अ मैप, यानी कि मैप की क्या क्या सीमाएं हैं। ऑन अ मैप द स्फेरिकल अर्थ इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ फ्लैट सरफेस। आप मैप पर जो देखते हैं, जो अर्थ गोलाकार अर्थ है, धरती है, वो एक समतल सरफेस पे दर्शाई जाती है। बट ए राउंड शेप कैन नॉट बी फ्लैटेंड कम्प्लीटली। लेकिन आप एक राउंड शेप, जैसे कि आप जानते हैं अर्थ की शेप है, आप उसको समतल नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से। सो व्हेन वी शो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस, तो जब भी हम ऐसा करते हैं, हम पूरे वर्ल्ड को एक फ्लैट सरफेस पे दिखाने की कोशिश करते हैं। द शेप्स, कुछ आकृतियाँ एंड साइज और कुछ आकार ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जैसे कि महासागर एंड ओशन, सागर गेट डिस्ट्रॉय, तो ये नष्ट होने लगते हैं, हमें पता नहीं लगता अगर हम फ्लैट सरफेस पे देखते हैं तो, किसी पेज पे देखते हैं तो। ग्लोब से ही हमें अच्छे से पता लग पाता है। द मैक्सिमम डिस्ट्रॉयशन इज सीन इन द रीजन अराउंड द पोल्स, और ऐसा जब हम पोल्स यानी ध्रुवों पर देखते हैं तो वहाँ पर अधिक होता है कि हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ, तो इस सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के लिए मैप में कुछ कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है, यानी मैप के कुछ भाग हैं। देयर आर फोर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मैप, मैप के चार मुख्य भाग हैं। विच फॉर्म इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे कि हमें ये सभी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देयर दीज आर टाइटल, सबसे पहले है टाइटल यानी कि नाम। सेकेंड है डिस्टेंस यानी कि दूरी। थर्ड है डायरेक्शन एंड फोर्थ इज सिंबल। डायरेक्शन यानी कि दिशाएं और सिंबल यानी कि निशान। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल, ईच मैप हैज़ अ टाइटल डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन, प्रत्येक मैप पर एक टाइटल होता है, एक शीर्षक होता है इंफॉर्मेशन की, वो हमें कौन सी जानकारी देने वाला है। गिवन इट इफ़ अ मैप इज शोइंग द मेजर रिलीफ फीचर, अगर एक मैप बहुत सारे हमको बहुत सारी जानकारी एक साथ दे रहा है ऑफ इंडिया, भारत की, इट कैन बी टाइटल एज रिलीफ मैप ऑफ इंडिया। तो अगर हम एक मैप में हमें भारत की जानकारी मिल रही है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, रिलीफ मैप ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है डिस्टेंस यानी कि दूरी। द अर्थ इज़ वेरी बिग, धरती बहुत दूर है। इट इज़ धरती बहुत विशाल है, बड़ी है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शो एक्चुअल साइज ऑफ अर्थ ऑन ए मैप, ये बहुत मुश्किल है कि आप धरती की जो बहुत बड़ी दूरी एक मैप पर दिखा सके, छोटे से मैप पर। टू कीप द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस रियल वी आर टू चूज अ स्केल, अब हमें क्या करना पड़ता है, जो ये दूरियां हैं इन दिखाने के लिए हमें एक स्केल यानी कि पैमाना चुनना पड़ता है। अब ये स्केल क्या होता है, देखिए, स्केल इज अ रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल एक ऐसा रेशो है जो कि धरती में जो दूरी है और मैप में जो दूरी है उसको दिखाता है, पैमाना है। देखिए ये किस तरह से होता है, ये देखिए रिप्रेजेंटेशन द ईच स्केल 1 inch, अगर आप 1 inch को देखते हैं तो उसमें क्या, वो किसके इक्वल होगा, 5 miles इन 3 type ऑफ स्केल, वो 3 type के स्केल होते हैं, उसमें 1 inch 5 miles के इक्वल होते हैं, अलग अलग होता है। फर्स्ट है बाय ए स्टेटमेंट स्केल, 1 inch इज इक्वल टू 5 miles, स्टेटमेंट स्केल में 1 inch 5 miles के इक्वल होता है, और इसके इस तरह से लिखा जाता है 1 is equal to 5 miles। नेक्स्ट है बाय ए लाइनर स्केल, लाइनर स्केल होता है ये देखिए इस तरह से, इसमें लाइन लगाकर ये माइल्स हैं इस तरह से शो कर दिया जाता है, ये देखिए 5, 10, 15, 20। ओके, नेक्स्ट है बाय फ्रिक्शनल रेशो, 1 mile हैज़ 63,360 inch, अब इसमें 1 mile कितना होता है, 63,360 inch के इक्वल होता है। और देखिए अगर 5 miles को उसने लेना हो तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि बन जाता है 3,16,800, और इस तरह से उसकी फ्रिक्शन 1/3,16,800 लिख दी जाती है। तो ये जो 3 scales हैं इन्हें कौन यूज़ करता है,
कार्टियोग्राफर, कार्टियोग्राफर कौन होता है, जो मैप्स बनाता है। तो इस तरह के स्केल्स कार्टियोग्राफर यूज़ करता है, किस लिए, क्योंकि मैप बहुत छोटा होता है और हमारी अर्थ बहुत बड़ी है। नेक्स्ट है डायरेक्शंस। मोस्ट ऑफ द मैप्स कैन कंटेन एन एरो मार्क। जो मैप्स होते हैं उसमें एरो मार्क होता है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से एरो मार्क होता है। और क्या होता है, विद द लेटर एन, उस पर एन लिखा होता है, ये इस तरह से एन लिखा होता है। एट द अपर, ऊपर की तरफ, द साउथ डायरेक्शन इज ऑलवेज एट द बॉटम ऑफ मैप। और जो साउथ होता है वो देखिए इस तरह से नीचे की तरफ होता है, मैप में देखेंगे तो आप ये देखिए। और उसके बाद दिस एरो इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन विच पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। और इस एरो को आप क्या कहेंगे, नॉर्थ लाइन, जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। वंस यू नो द नॉर्थ डायरेक्शन, एक बार आपको नॉर्थ डायरेक्शन का पता चल गया, यू कैन ईजिली फाइंड द अदर डायरेक्शन, तो आप दूसरी डायरेक्शन भी पता कर लेंगे। देखिए कैसे, नेमली ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, कैसे देखिए, ऊपर होगा नॉर्थ, नॉर्थ के बिल्कुल नीचे होगी साउथ, और जो इस तरफ होगी वो ईस्ट, और जो इस तरफ होगी वो होगी वेस्ट। तो दीज फोर डायरेक्शन आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, इन्हें क्या कहते हैं, मुख्य दिशाएं कहते हैं। दीज आर फोर अदर डायरेक्शन अपार्ट फ्रॉम कार्डिनल, मुख्य दिशाओं के अलावा इनके फोर पार्ट और भी हैं। कौन कौन से हैं, दीज आर द नॉर्थ ईस्ट, ये देखिए जो नॉर्थ के इस तरफ है, नॉर्थ के ईस्ट में है, तो वो हुई नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद साउथ ईस्ट कौन सी हुई, जो नॉर्थ के साउथ में है, नीचे की तरफ है, तो वो साउथ, ठीक है। इस तरह से जो नॉर्थ के वेस्ट में है वो नॉर्थ वेस्ट, और जो क्या कहते हैं इसके, और ये इस तरह से ये साउथ वेस्ट। तो ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और ये क्या है, साउथ ईस्ट। तो ये है हमारी सब कार्डिनल डायरेक्शंस, क्या है ये, सब कार्डिनल डायरेक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट है सिंबल। सिंबल यानी कि निशान, सिंबल एंड साइंस आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। निशान जो हैं वो मैप के मेन कंपोनेंट, मुख्य तत्व हैं, मुख्य भाग हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल शेप ऑफ साइज ऑफ ट्रीज़, ये पॉसिबल नहीं है कि आप मैप पर एक ट्री को पूरा का पूरा दिखाएं, या फिर किसी बिल्डिंग को, विलेज को आप पूरा का पूरा दिखा दें एक मैप पर। सो दे आर शोन इन द हेल्प ऑफ क्रिएशन लेटर शेड्स कलर पिक्चर लाइन डॉट्स एक्सेट्रा। तो उनको किस तरह से दिखाते हैं आप, उसके लिए कोई लेटर यूज़ कर लेते हैं, यानी कि कोई अक्षर यूज़ कर लेते हैं, कोई शेड कर देते हैं उधर, कलर कर देते हैं, कोई पिक्चर बना देते हैं, लाइंस बना देते हैं, डॉट्स बना देते हैं। इस तरह से देखिए, सबसे पहले है बाउंड्री एरियाज, ये देखिए डॉट्स हैं, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील। उसके बाद रोड को मेटल, अनमेटल, कार्ट, फुटपाथ, इस तरह से आप रोड को शो करते हैं मैप पर। उसके बाद है रेलवेज, रेलवेज में क्या होगा, ब्रॉड गेज, यानी कि वो ब्रॉड रास्ता, आगे है मीटर गेज, आगे है नैरो गेज, और आगे है रेलवे स्टेशन। इस तरह से मैप पर दिखाए जाते हैं आप अगर किसी मैप को देखेंगे। नेक्स्ट है वाटर फीचर्स। अब अगर आप वाटर वाला कोई मैप उठाएंगे तो उसमें कैसे होगा, रिवर और स्ट्रीम आपको इस तरह से दिखाए जाएंगे, कैनल्स इस तरह से, वेल ये देखिए डॉट से, और टैंक, और इसमें भी पर्नियल और ड्राई टैंक के लिए अलग अलग यूज़ किया गया, अदर्स। और है ये कैपिटल, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, फोर्ट, डैम, स्प्रिंग। नेक्स्ट है टेंपल, मस्क्यू, चर्च, ग्रेव, लाइट हाउस, बीच मार्क, ट्रीज। तो इस तरह से इन सिंबल्स का यूज़ मैप में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सिंबल एंड साइंस कैन गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिट स्पेस। तो इस तरह से अगर सिंबल्स यूज़ करते हैं तो लिमिट जगह में हमको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। विद द यूज ऑफ दी सिंबल, इन सिंबल के प्रयोग से मैप कैन बी ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड। और मैप को आप ईजिली
ड्रॉ कर सकते हैं और उसे समझ भी आसानी से सकते हैं। कलर आर ऑल्सो यूज एज सिम्बल ऑन मैप। मैप में कलर भी यूज़ किए जाते हैं। जनरली ब्लू इज़ यूज टू शो वाटर, और जो ब्लू कलर यूज़ किया जाता है उससे क्या पता चलता है, वाटर्स का, वाटर बॉडीज़ जैसे कि रिवर या ओशन या कॉन्टिनेंट। ब्राउन फॉर माउंटेन, अगर आप कभी मैप में ब्राउन कलर देखें तो वो किस लिए यूज़ होगा, माउंटेन के लिए। येल्लो फॉर प्लेट्यूज एंड ग्रीन फॉर प्लेन्स, इसी तरह येलो प्लेट्यूज के लिए और ग्रीन प्लेन्स के लिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर, आर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ए मैप एंड ए ग्लोब। आपको मैप और ग्लोब में डिफरेंस बताना है क्या है। तो इसका आंसर है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज होल, बट इफ़ वी वांट टू स्टडी ओनली वन पार्ट ऑफ अर्थ देयर फोर वी यूज मैप। ये देखिए, आपको पहले ये लिखना है, अ ग्लोब कैन यूज बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज होल, बट इफ वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ देयर फोर वी यूज अ मैप। ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट। इसी क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट आपको लिखना है, अ मैप कैन बी रोल्ड और फोल्ड एंड स्टोर और कैरीड अराउंड इजीली, बट ए ग्लोब कैन नॉट रोल और फोल्ड इट। तो टुडेज होमवर्क इज रीड लेसन सेकंड केयरफुली एंड राइट सेकंड क्वेश्चन। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।